पक्का? पक्का। देख गाइस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। आ गया तो? आ गया तो नहीं आया तो। Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, अभी सरदा ने ये हॉर्स वाली ड्राइंग कंप्लीट कर ली है, तो अभी हम इसमें फिक्सेटिव करेंगे और सरदा कमरा पूरा बिखर रखा है, तो अब इसको भी सही करेंगे। तो करो, सरदा भी सही कर रहे हैं। मेरा कैमरा उठ कर लेना जी सर। नेक्स्ट गाइस, मेरा कैमरा अभी वीडियो अपलोड हो रही है गाइस, 32% होगी। अपलोड नहीं हो रही गाइस, इसको मैं यूज करता हूँ आर्ट वर्क को ढकने के लिए ऊपर से, क्योंकि देखो इसके ऊपर धूप आ रही है ना, तो धूप से खराब हो सकते हैं, धूल मिट्टी आ सकती है, तो मैं इससे ढक देता हूँ। काफी बड़ा पेपर है ये, अभी फिक्सेटिव करेंगे ना। ये तो कॉटन पेरिस का है। किसका है? कॉटन पेरिस नहीं, कॉन्टे पेरिस। कॉन्टे पेरिस। देखो ये रहा कॉन्टे पेरिस का। कॉटन पेरिस। कॉटन पेरिस। इसको एक काम कर, इसके अंदर डाल दे। इसके अंदर डाल दे, इसको इसको ऐसे कर ले। हाँ। प्लास्टिक इरेजर सही है, देखे ना। अभी इसका कोई काम नहीं, इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी एक ट्राइपॉड है, उससे सेल्फ टिकटॉक बनाते हैं। तो गाइस अब सब कुछ सही हो चुका है, देखो। नहीं हुआ। क्यों? ये झटका था ना इसको, कालू कालू है। ओए क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। दिखाइयो, ये देखो यहाँ पूरा उतर निशान, जैसे कि किसी ने ब्लेड मारा हो। हाँ। क्या हो गया? चिंगरा लगा। हाँ। पहले यूज करने से पहले अच्छे से शेक करना चाहिए इसको, इसको अच्छे से शेक करना चाहिए। कर रहे हो? ले थोड़ा थोड़ा और पास से कर। क्या हुआ, निकल नहीं रहा क्या? देख अब मैं करूँगा अच्छे से, ऐसे होता है, फैल रहा है यार ये तो हवा की वजह से। पीछे इरेजर लेके जल्दी, इरेजर लेके आ, फैल रहा है ये। इरेजर लाना था। हाँ, कौन सा लाया? ये टॉम्बो वाला है। इधर इधर गाइस, मैंने ब्लेंड नहीं किया ना, पंगा ये हो गया। अगर ब्लेंड किया होता फिर नहीं फैलता, ये हवा चल रही थी ना, हवा से फैल गया थोड़ा। सो गाइस, सरदा भी इसको इरेज करने की कोशिश कर रहे पर ये इरेज नहीं होता। सो गाइस, सरदा इसके सिनेमैटिक शॉट लेते हुए। तो गाइस आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हवा चल रही है, तो आर्ट वर्क उड़ रहा है, इतनी मुश्किल से मैंने फिक्सेटिव किया, थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया था। तो चलो अब नीचे चलते हैं, फोटो क्लिक कर लिए जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो फॉलो कर लेना। सो गाइस अभी बड़ी में कर रही है वजन, तो चलो चलते हैं उनको। कितना कहा बजा ले बजा ले, क्या हुआ? छीना छानी करके वो काट गया वो सीन। क्या सीन? साइन बना रहा था इसकी। अच्छा, बजा बजा करके। हाँ। नहीं बजाया, इसने काट दिया वो, इसमें से डिलीट कर दिया इसके साथ। हाँ, डिलीट कर दिया। सब्जी रोजी ऐसी ठहरी है, क्या बनाऊं? पत्ता गोभी नहीं खाऊंगा मैं, मेरे को पसंद नहीं है। हाय, मैं दो क्या थोड़ी सा खा लेगा, मेरे को नहीं है पसंद। तो गाइस आज पीयूष रोट चुका है, अब वो वीडियो में नहीं आ रहा। मम्मी ने उसको ढोलक बजाने का के लिए कहा और थोड़ा बहुत डांट दिया, और वो वीडियो में आ गया तो उसने वीडियो से सब कुछ डिलीट कर दिया। अब वो नहीं आ रहा वीडियो में, कैमरा लेके गया, मेरा कैमरा लेके गया था वो, कह रहा व्लॉग बनाऊंगा व्लॉग बनाऊंगा, कैमरा ले गया, मम्मी ने डांट दिया, वो सीन सारा काट दिया। तो देखते हैं गाइस अब कब मानेगा, फिलहाल तो मैं खाना लेने के लिए आता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब गाइस आपको पीयूष कल से मेरे व्लॉग में देखने को नहीं मिलेगा। पहले मैंने साहिल के बारे में बोला, अब पीयूष के बारे में, क्या पता अगले ब्लॉग में दिख जाए। तो गाइस बस यही सीन रहता है, कभी कौन टूट जाता है, कभी कौन टूट जाता है, कभी क्या कभी क्या, फिर दो मिनट बाद सब एक हो जाते हैं, सब सही हो जाते हैं। मैं से ना गाइस सूखी सब्जी खाई नहीं जाती, सूखी सब्जी। वो बूढ़ा हो गया तो ये क्या बात हुई, गीली गीली पसंद है, जिसमें करी हो, इसमें करी हो, दाल हो गया।
जो हम खाते वही बना दिया करो ना। तो क्या खाता है तू बताइयो, रोज ना घिया खाई जाती है। घिया करेले बनाए थे, करेले तो खाए थे, करेले तो खाए थे, फिर अब रोज एक ही सब्जी बनती है। देखो एक तो मैंने आपको बैगन मना किया है, बैगन तेरा सारा कुछ ही मनाया है, मत। बैगन, पत्ता गोभी और वो जो प्याज का बनाते हो आप, बस तीन चीजें बनाए, बाकी उसके अलावा कुछ भी बना लो। तो गाइस आज मम्मी ने पूरा एक्सपोज कर दिया मुझे, मम्मी कह रही है कोई सब्जी नहीं खाता बट मैं खाता हूँ। तो गाइस खाने में हमारे पास दाल और रोटी, पत्ता गोभी बनाई बट वो मेरे को पसंद नहीं है तो वो मैं नहीं लिया, मम्मी जी गुस्सा हो गया, क्या करें। ये बैठा ऊपर भाग गया। हे गाइस तो मैंने खाना खा लिया है और मैंने पोस्ट भी कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसको अब रख देते हैं हम सेफ जगह पर जो कि है हमारा बेड। एनीवेज गाइस फिलहाल अभी का सीन है, अभी पीयूष रूठ गया जैसे कि आपने देखा, मम्मी ने उसको थोड़ा डांट दिया था, वो व्लॉग बना रहा था तो मम्मी ने उसी में डांट दिया उसको और वो फाइल उसने फिर डिलीट कर दी। तो मैंने बोला कि डिलीट क्यों की, कह रहा आपसे आज क्यों व्लॉग नहीं आऊँगा, आपसे नहीं आऊँगा व्लॉग में तो चलो देखते हैं क्या कर रहा है। पीयूष के साथ लड़ाई होगी पता है आपको, पीयूष कह रहा है व्लॉग में नहीं आऊँगा, कह रहा है उसके तरह से बताएगा। प्यूसी हाय हाय गाइस, प्यास तो आएगा नहीं, अब व्लॉग में नहीं आएगा आज का दिवाली, खुद का व्लॉग देख रहा है गाइस, कहाँ बैठा है। तो गाइस प्यूस छुप रहा है, छुप क्यों रहा है रे गाइस, वो कैमरे के आगे नहीं आ रहा, तो बार लड़ाई हो गई है। पक्का नहीं आएगा ना, नहीं। पक्का देख लियो फिर, कल से देख लियो, पक्का क्या देख, गाइस को भी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, आ गया तो, आ गया तो, नहीं आया तो गुड नाइट, गुड नाइट। सोने से पहले क्या कहते हैं, सोने से पहले गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स और टेक केयर, टेक केयर। सो गाइस अब कल देखते हैं कि पीयूष व्लॉग में आएगा या नहीं आएगा, अभी तो बहुत नखरे कर रहे हैं बट होपली आ जाएगा, बिकॉज ऐसे छोटा मोटा तो घर में चलता ही रहता है रूठना मनाना। बट जो भी है गाइस देखते हैं कल, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, प्रोबेबली कल, डेली व्लॉग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।